नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि नॉर्मल प्रोब में हम लोग डीएजी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक होममेड डीएजी ब्लॉक रखा है जिसका हाइट लगभग 106 mm है और यहाँ पे मैंने 3 होल ऑफ इक्वल डायमीटर उसमें ड्रिल किया है। एक है 25 mm के नीचे, दूसरा है 50 mm के नीचे और तीसरा है लगभग 70 और 71 के नीचे। ये तीनों के बीच में हम लोग डीएसी ड्रॉ करेंगे और उस डीएसी के रेस्पेक्ट में इस होल को हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये होल हमारा एक्सेप्टेबल है और रिजेक्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 होल एक लाइन में, एक स्लोप में हम लोगों ने ड्रिल करके रखा है। दिस इज 25 mm, दिस इज 50 mm एंड दिस इज मोर ओवर 70 to 71 mm एंड वी विल टेस्ट कि वेदर दिस होल इज एक्सेप्टिंग और इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो उसके लिए हमने अर्जुन 20 डीएसी मशीन लिया है और अर्जुन 20 डीएसी मशीन में हमने ऑलरेडी ये मेन्यू नंबर 1 में हमने इसका रेंज 106 mm सेट किया है और मेटेरियल वेलोसिटी जो स्टील का है और डीले हम लोग 0 किए हैं और इसके हिसाब से हम लोग अभी डीएसी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। और हम लोग अभी उसके लिए ये जो प्रोब यूज कर रहे हैं ये है 10 डायमीटर का 4 MHz का एक नॉर्मल प्रोब मोटसोनिक का, हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है और ऑलरेडी अभी उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ऑयल डाल के टेस्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये मेरा ऑयल बॉक्स है, मैं उसके ऊपर थोड़ा डाल रहा हूँ। और मैं अभी आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज मैं ये जो 30 dB है अभी इसको मैं पकड़ के अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मुझे इंस्पेक्शन में हम लोग डीएसी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया ना, नॉर्मल प्रोब को एक बैक वाली को पकड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर अभी प्लेस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तो ये मैंने प्रोब को इसके ऊपर अभी पकड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 106 mm 107 mm है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इको आना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे मेरा बैक वाली इको यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। तो इसका रेंज 106 mm से थोड़ा अभी ज़्यादा दिखा रहा है। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका वर्टिकल लाइट है वो 106 mm से लगभग कुछ ज़्यादा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अभी डीएसी पकड़ना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बैक वाली को देख लिया, बैक वाली को हमारा 80% के ऊपर चला गया है। अभी मैं डीएसी ड्रॉ करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो मेन्यू 2 है, मेन्यू 3 है, मेन्यू 4 है, मेन्यू 5 में डीएसी एक ऑफ है, इस डीएसी को मुझे पहले ऑन करना है। उससे पहले मुझे मेन्यू नंबर 11 में यहाँ पे जो इवेल्यूशन मोड है इसको डीएसी में सेट करना है। इसको अगर AWS होगा तो उसका अलग रिजल्ट आएगा और DGS होगा तो अलग रिजल्ट आएगा। तो मैंने उसको पहले डीएसी में सेट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने जो मेन्यू नंबर 5 में जो डीएसी ऑफ है उस डीएसी ऑफ को मैं डीएसी ऑन करना है और ड्रॉ करना है। अभी डीएसी ड्रॉ मोड में है, अभी डीएसी ड्रॉ करेंगे उसके बाद डीएसी को हम लोग ऑन करेंगे। तो अभी डीएसी ड्रॉ मोड में हम लोग एंटर कर गया है। अभी देखिए मैं अभी फास्ट होल को पकड़ रहा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे स्क्रीन में एक इको आना स्टार्ट हो गया है। अभी कोड के हिसाब से मुझे 1 dB सेट करना है जिसमें ये जो अपना फास्ट होल का जो इको है वो कम से कम जो स्क्रीन हाइट है स्क्रीन हाइट का 80% के ऊपर जाना है। तो मैं गेन को बढ़ा रहा हूँ
देखिए अभी ये जो डीबी है 40.3 डीबी, या थोड़ा मैं ये 40.3 डीबी, चलिए इस 40.3 डीबी को मैं थोड़ा और घटाता हूँ, 40 डीबी, 40 डीबी में पकड़ के चलता हूँ, और 40 डीबी में मुझे जो इको आ रहा है डिफेक्ट का, अभी ये 80% के ऊपर चला गया है। अब देख सकते हैं जो इको हाइट है वर्टिकल स्केल 80% लगभग क्रॉस कर रहा है। मैं इसको और भी थोड़ा घटा रहा हूँ, सो दैट हैंड प्रेशर में और थोड़ा इसके ऊपर में मैं थोड़ा और डीबी घटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाथ में लगा के काम करना है। मेरा हैंड आप मेरे उंगली में देख सकते हैं, मैं हैंड प्रेशर डाला हूँ उसमें। तो चलिए ये 38 डीबी में मैं सेट कर दिया हूँ, और ये देखिए मेरा जो फास्ट होल का इको है ये 80% के ऊपर चला गया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नो आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट ए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट नंबर वन है इसको पकड़ रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर वन को पकड़ने के लिए तो 38 डीबी में हम लोगों ने जो पहला होल था उसका इको हमने पकड़ लिया है, और ये लगभग 80% के ऊपर जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे ना, जो हम लोग गेट है, गेट को इको के ऊपर लाएंगे। देखिए मैं गेट को इको के ऊपर ला रहा हूँ धीरे धीरे। इसमें एक फंक्शन है, आप बीच वाला बटन को भी प्रेस कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। अभी देखिए जो गेट है वो फास्ट इको के ऊपर आ गया है, और उसका जो हाइट है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अभी देखिए ये जो फास्ट जो हमारा होल है यहाँ पे से जो इको आ रहा है 38 डीबी में ऑलमोस्ट 80% के ऊपर क्रॉस कर रहा है, और ये जो इको है इसको मैं अपना पॉइंट नंबर वन पकड़ रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर वन है। तो अभी इसको मैं प्रेस एंटर कर देता हूँ तो ये मेरा पहला पॉइंट ले जाएगा। अभी ये दिखा रहा है पॉइंट टू को जाने के लिए, तो मैं अभी सेकेंड होल में जा रहा हूँ जो लगभग 50 mm के नीचे है। अब देखिए यहाँ पे एक इको आ रहा है ऑलरेडी, ये इको आ रहा है, अभी इस इको को के ऊपर मैं अपना गेट सेट कर रहा हूँ। जो हमारा 38.1 डीबी था वो हमारा रेफरेंस डीबी है, अभी ये 36.4 इसलिए डीबी दिखाया कि 38.1 डीबी में वो 80% के ऊपर क्रॉस कर रहा था, तो मशीन ने अपने आप उसको 36.4 डीबी में सेट करके इसी 36.4 को ही उसने 80% हाइट कंसिडर किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, पॉइंट नंबर टू पे जा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं गेट ला रहा हूँ। और इसको थोड़ा डाउन कर रहा हूँ सो दैट उसके ऊपर रह जाएगा गेट, और ये मैं अपना सेकंड पॉइंट पकड़ रहा हूँ। ये देखिए अभी उसको प्रेस एंटर मार रहा हूँ, अभी हमारा डीएसी का सेकंड पॉइंट ले लिया, और 40 डीबी में उसने 80% को टच किया है। ये मशीन में अपने आप सेटिंग होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं फिर से जाता हूँ अपना थर्ड पॉइंट में, और यहाँ पे मैं ये जो अपना गेट है इस पॉइंट के ऊपर ला रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं गेट ला रहा हूँ,
और फिर मैं जा रहा हूँ पॉइंट नंबर थ्री हो गया है ऑलरेडी, अभी उसको खाली प्रेस एंटर करने के लिए ये राइट वाला बटन प्रेस कर लेता हूँ। अब देखिए अभी इसने तीन पॉइंट मेरा रेफरेंस ले लिया है, जिसमें से पहला वाला होल जो 25 mm, दूसरा वाला होल 50 mm, तीसरा वाला होल लगभग 70 से 71 mm में ऑलरेडी हमने उसको ड्रिल किया गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा पहला डीबी था 36.14 dB, उसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, सो दैट मेरा डीएसी जो है एक लेवल पे आ जाएगा। बस देखिए ये जो डीएसी है 36.5 या 36.4 ये डीबी में जो फास्ट का इको है वो 80% के ऊपर को टच कर रहा है। फिर से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, देखिए ये मेरा फास्ट होल है जो 80% को टच कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये सेकेंड होल है और ये अपना थर्ड होल है, ठीक है। अभी डीएसी ड्रॉ होने के बाद अभी मैं डीएसी को ऑन कर लेता हूँ। अभी डीएसी मेरा ऑन हो गया है। अभी इसको 50% और 20% में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो डीएसी डीबी है इसको आपको बढ़ाना है। देखिए ये डीएसी ये आपका ओरिजिनल डीएसी है, ये आपका 50% लेस डीएसी है और ये 20% लेस डीएसी है। अभी ये जो तीन आपका डीएसी ड्रॉ हो गया, अब उसके बेसिस में आपको ये जो फोर्थ वाला होल है इसको अभी आपको पकड़ना है कि whether it is acceptable और rejectable। तो अभी मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, देखिए फोर्थ होल, अभी देखिए ये 50% डीएसी को क्रॉस करके ऑलमोस्ट आपके डीएसी कर्व को टच भी कर रहा है। सो एज पर कोड दिस होल इज रिजेक्टेड, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% डीएसी को क्रॉस कर चुका है, आप देख सकते हैं, और दिस इज माय फोर्थ होल। सो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो कि हम लोग डीएसी कैसे ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल प्रोब में, और तीन होल जो हम लोग 50, 25, 50 और 75 में ड्रॉ किए थे। अगेन आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये है आपका 25 mm डिस्टेंस का जो डीएस जो इको का हाइट है, ये 50 mm का इको का हाइट है, ये 70 mm का इको का हाइट है, और ये जो हमारा होल रिजेक्ट हो गया उसका इको का हाइट है। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल फंडामेंटल्स ऑफ एनडीटी।